3 साल में केंद्र सरकार की विफल होती कानून व्यवस्था, 3 वर्षों में ही विफल हो गई केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था। क्या देश के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को नहीं दे सके सही कानूनी सलाह? पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दिया इस्तीफा। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के दूसरे कार्यकाल के पूर्व विवाद क्यों? पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के दूसरे कार्यकाल के पूर्व हटाए जाने के उठते विवाद ने भारत सरकार और अटॉर्नी जनरल के बीच अच्छे संबंधों की आशंका होने का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। क्या देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए थे अटॉर्नी जनरल को हटाने के मौखिक दिशा निर्देश? क्या सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सही पक्ष रखने में नकारा साबित हो गए थे? भारत सरकार का सही पक्ष नहीं रखने पर ही भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल को उनके दूसरे कार्यकाल पूर्व ही हटाने पर मोहर लगा डाली थी। भारत सरकार के खिलाफ याचिकाकर्ता की विभिन्न विषयों पर 20 से अधिक शिकायती लेटर पिटीशन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि को भारत सरकार द्वारा तोड़े जाने की लेटर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है। चाहे नारकोटिक्स के नशा प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या फिर 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी का निर्णय तथा ऐसे कई अन्य मुद्दे जिसमें जैसे ट्रिपल तलाक मुद्दा, राम मंदिर विवाद मुद्दा, गो रक्षा कानून आदि पर भारत सरकार को सही मार्गदर्शन, सही कानूनी सलाह देने पर भारत सरकार ने उनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं किए जाने का निर्णय लिया। दूसरे कार्यकाल को के पूर्व ही उनसे इस्तीफा मांग लिया। देश के अटॉर्नी जनरल को बदलने की प्रक्रिया या उसके दूसरे कार्यकाल में वृद्धि नहीं किए जाने के प्रमाण, 3 साल में ही केंद्र सरकार के विफल होने की सच्चाई को जगजाहिर कर रही है। नोटबंदी, राम मंदिर, गो रक्षा कानून और नशा प्रबंधन जैसे मुद्दे पर भारत सरकार का सही पक्ष नहीं रखा गया है और इसी कारण पूर्व अटॉर्नी जनरल का दूसरे कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई।